फाइनली काफी लंबे इंतजार के बाद वो घड़ी आ चुकी जिसका कि इंतजार पेन इंडिया के बड़े सुपरस्टार जेआर एनटीआर के फैंस काफी लंबे समय से कर रहे थे। जी इनके करियर की वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड पेन इंडिया फिल्म देवरा पार्ट वन हम सभी के बीच में दस्तक दे चुकी है। तो अगर आप भी फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे तो वीडियो के आखिरी तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म देवरा पार्ट वन की रेटिंग के बारे में, साथ ही आप सभी को बताने वाले हैं कि फिल्म को रिव्यूज कैसे मिल रहे हैं और फिल्म अपने पहले दिन कितना कलेक्शन इंडिया के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से करने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, जिसके चलते फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी गई है। अगर बात करें फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में तो फिल्म की स्टोरी लाइन 1996 से शुरू होती जिसमें कि हमें एक्टर प्रकाश राज स्टोरी को नरेट करते हुए दिखाई देते हैं और फिल्म की स्टोरी लाइन जाती है फ्लैशबैक में जो कि 1970 से शुरू होती है। अगर बात करें फिल्म की स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है तो फिल्म की कहानी होने वाली एक निडर और साहसी व्यक्ति देवरा की, जो कि एक मछुआरे के ग्रुप का लीडर है जो कि बड़ी बड़ी कॉन्गो शिप को लूटने का काम करते हैं। फिल्म की स्टोरी में आगे दिखाया जाएगा कि देवरा की लाइफ में कुछ ऐसा मोमेंट आता है जिसके बाद ये सभी इन गलत कामों को छोड़ने की कोशिश करता है, साथ ही सभी क्रिमिनलों का साथ देना भी छोड़ देता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं हो पाता, इसकी लड़ाई हो जाती है सैफ अली खान मतलब भैरा से और फिल्म की स्टोरी में आगे क्या कुछ होता है हमें देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें फिल्म की पॉजिटिव चीजों के बारे में तो फिल्म की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंगेजिंग है और फिल्म का बीजीएम भी काफी ज्यादा जबरदस्त है जिसने कि फिल्म की स्टोरी लाइन को काफी ज्यादा इंगेजिंग बना दिया है। साथ ही फिल्म की सिनेमेटोग्राफी का लेवल भी काफी ज्यादा हाई है और फिल्म के वीएफएक्स भी काफी ज्यादा हाई लेवल के हैं। साथ ही फिल्म का सीजीआई वर्क भी काफी अच्छे तरीके से किया गया जिसके चलते ये फिल्म विजुअली सभी को सेटिस्फाइड कर रही है। साथ ही फिल्म का एक्शन काफी हाई लेवल का है। जी हां, फिल्म में कुछ ऐसे वाटर सीक्वेंस दिखाए गए हैं जो कि ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। अगर बात करें परफॉर्मेंस वाइज तो परफॉर्मेंस वाइज भी ये फिल्म काफी बेहतरीन है। जी हां, जेआर एनटीआर की परफॉर्मेंस ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रही है, साथ ही सैफ अली खान ने भी काफी अच्छे तरीके से इनका साथ दिया है। अगर बात करें एक्टर जानवी कपूर के बारे में तो इनका कैरेक्टर फिल्म में थोड़ा कम है लेकिन उसके बावजूद इन्होंने काफी अच्छा काम किया है। अगर बात करें फिल्म की कमियों के बारे में तो फिल्म में कुछ कमियां भी हैं। फिल्म की स्टोरी लाइन तो थोड़ी कमजोर है ही लेकिन फिल्म की राइटिंग भी काफी ज्यादा कमजोर देखी जा रही है। साथ ही आप सभी को बता दें कि फिल्म में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को भी ऐड किया गया जिनकी की फिल्म में जरूरत नहीं समझ आ रही है। साथ ही आप सभी को बता दें कि यह फिल्म कहीं कहीं अपनी ओरिजिनलिटी को मिस करती है। अगर बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म अपने पहले दिन आज कम से कम 130 करोड़ तक की कमाई करने वाली है क्योंकि ये फिल्म एडवांस बुकिंग में सिर्फ इंडिया से लगभग 55 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कलेक्शन आज का काफी बेहतरीन आने वाला है क्योंकि ये फिल्म इंडिया और ओवरसीज को मिलाकर लगभग 80 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर चुकी है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि यह फिल्म अपने लाइफ टाइम में काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनने वाली है। तो अगर आप सभी ने यह फिल्म देख ली तो आप सभी को यह फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।